मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ वासे साहब, उम्र 68 साल, बिजनेस किराना दुकान है और मुझे पैर में और कमर में बहुत प्रॉब्लम है, मनको का प्रॉब्लम है। मैं अपने गांव में भी बहुत सारे डॉक्टर को बता चुका हूँ, मैं भी गया दिखा के आया। वहाँ पहले मरतबा जब मैं गया तो मुझे पेन ब्लॉक करके इंजेक्शन का बताया गया, पेन ब्लॉक इंजेक्शन ले लो बोले। उन्होंने MRI वगैरह देखा, पेन ब्लॉक इंजेक्शन दिया, दिन भर ठहराया और दूसरे काफ़ी दवाई लिख दी और बोला आपसे आपको इससे रिलीफ हो जाएगा। एक महीने तक मैं पूरे दवाई लिया करा, एक रुपया भी फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम गया मैं, फिर उन्होंने बोला आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। मैंने सर्जरी से मना कर दिया, बोला मुझे सर्जरी कराना नहीं है क्योंकि ढलती उम्र है और गारंटी का बोलने से गारंटी नहीं रहती इस उम्र में। तो मैं उसको करस्पॉन्ड किया। उसके बाद हमारे हिंगोली के नज़दीक नांदेड़ करके बड़ा सिटी है, सरदार जी लोगों का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी समाधि वहाँ गए। वहाँ पे भी उन्होंने भी दवा वगैरह लिख दी, महीना दो महीने तक ये दवा लो वो दवा लो, दवा लिए तक सिर्फ अच्छा लगता था, उसके बाद फिर तकलीफ पड़ जाती थी। नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने बोला आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। मैंने उनको ही कहा मैं सर्जरी नहीं कराता। उसके बाद हम अपने गांव आ गए। वहाँ हमारे गांव में एहसान खान साहब करके हमारे दोस्त है, वो यहाँ पे आके गए वाले थे। उनसे बात किया तो बोले आप जोधपुर क्यों नहीं जाते। फिर हमने एक जोधपुर आने का प्रोग्राम बनाया, यहाँ आए दवाखाने में बताए। ऑस्टियोपैथिक वगैरह उनके मसाज वगैरह करने से बहुत अच्छा आराम है, काफ़ी आराम है। और जो मुझे पहले तकलीफ थी घुटनों में कमर में, वो 50% तक आराम है समझो। और मैं ये दवाखाने में आके बहुत अच्छा सा फ़ायदेमंद हूँ कि मुझे एहसान खान साहब ने ये यहाँ पे रिलीफ करा है। वो भी मेरे साथी थे, हम जब हिंगोली से निकले तो हम सब मिल के आए। हमारे भतीजे है, दो भतीजे हैं, एहसान खान साहब है, हमारी मिसेस है। हमारी मिसेस को भी बहुत कमर की पैरों की तकलीफ है। मेरा नाम आबिदा वासेसा है, मैं हिंगोली से हूँ, मेरी उम्र 67 है। मेरे पैर में, घुटनों में, कमर में बहुत तकलीफ थी। हम लोग बहुत सारे दवाखाने में दिखाए मगर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे आए हम लोग जोधपुर, एहसान साहब खान साहब ने बताया, हमारे हस्बैंड के दोस्त है उन्होंने, उससे हमने चार पाँच दिन हो गए हमको, आज बहुत आराम है। तकलीफ में बहुत फर्क हो गया है, चलने फिरने में भी फर्क है, अभी बहुत अच्छा है। उनको भी पता है, उनको भी बहुत अच्छा आराम है। और ये दवाखाना इतना अच्छा है हॉस्पिटल आपका कि भगवान इसको बहुत तरक्की दे और हर लोग जो भी बाहर से आए उनको शिफा मिले, आराम मिले, यही हमारी शुभकामना है। और जो भी यहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, रहने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, खाना पीना जो भी दो टाइम मिलता है, सवेरे नाश्ता मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है। और बढ़िया से बढ़िया इलाज यहाँ पे, ऑपरेशन की गरज नहीं है। और अभी बहुत मुझे फ़ायदा है, और फ़ायदा हुआ तो नेक्स्ट टाइम मेरे को मालूम हो रहा कि दो महीने के बाद बताने को आना, तो मैं नेक्स्ट टाइम बताने को भी आऊँगा हमारे मिसेस को और जो भी हमारे दोस्त को ये प्रॉब्लम है, जो गोलियाँ ले लेके थक गए अभी तक, उनको बताऊँगा कि आप जोधपुर जाओ ये हॉस्पिटल में, वहाँ आपको न दवा लेना पड़ेगा, न कोई खर्चा ज़्यादा यहाँ का, आपको बहुत आराम मिलेगा। श्री सावरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान जोधपुर,